हेलो गाइस, मैं हूँ रोनित और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रोनित में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे एक यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बनाते हैं। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि एक एट्रैक्टिव बैनर होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे चैनल को एट्रैक्टिव लुक देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बैनर को बनाने के लिए आपको उस पहले इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिस ऐप का नाम है पिक्सल ऐप। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको राइट साइड में थ्री डॉट बटन पर क्लिक करना है और इमेज के साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बैनर बना रहे हैं तो कस्टम में जाकर के यूट्यूब चैनल बैनर को आपको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। उसके बाद आप गैलरी में जाएंगे, यहाँ से पहले इसको डिलीट करेंगे, फिर गैलरी में जाएंगे यहाँ से और आपको एक बैनर को सेलेक्ट करना है। इस बैनर को आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको 16:9 रेशियो पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट बटन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर बैनर को सेट कर लेना है आपने इस तरह से। इसको सेट कर लेने के बाद आप इस ए वाले लोगो बटन पर जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हम टाइप करेंगे, एडिट में टेक्स्ट में जाकर एडिट करेंगे। तो आपके चैनल का जो भी नाम हो उसे यहाँ टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में, जैसे मेरे चैनल का नाम टेक्निकल रोनित है तो मैं टेक्निकल रोनित लिख लेता हूँ। उसके बाद इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके सेट करेंगे। ये इस प्रकार से इसको यहाँ पे इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। बहुत सारा फॉन्ट है, आपको इसमें से जो भी पसंद हो आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ डेनियल ब्लैक। डेनियल ब्लैक एक फॉन्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं डेनियल ब्लैक। और दोस्तों, फिर इसका यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जाके बहुत सारा कलर है, आपको जो भी कोई कलर पसंद हो इसमें से आप इसे चूज करते हैं। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे, फिर शेडो को ऑन कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर से हम एडिट बटन पर जाएंगे और भी कुछ अगर आपको टाइप करना हो अपने चैनल के बारे में तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे अनबॉक्स ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया और अब यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ सेट कर लेता हूँ। ये इसमें आपको कोई फॉन्ट ना ही चेंज करे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा लुक देगा। तो इसमें आप कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसमें भी मैंने ये येलो कलर डाल दिया। ये अब दोस्तों, इसमें भी हम फिर से स्ट्रोक को ऑन करेंगे, फिर शेडो को ऑन करेंगे अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों हमारा बैनर बन के तैयार है। यहाँ पे थ्री डॉट बटन पे जाकर हम इसे सेव करेंगे, स्पॉट इमेज में जाकर यहाँ कस्टम ही रहने देंगे, सेव टू गैलरी करेंगे और ये हमारा सेव हो चुका है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।